हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दिल्ली क्राइम सीजन 1 वाज द मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज और इसके लिए इसको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी दिए गए। तो जाहिर सी बात है, अब जब सीजन 2 ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है तो काम उनके लिए करता है जो दिल्ली के महलों में रहते हैं, तो लोगों में इसके लिए बेसब्री से इंतजार था। एंड आज की डेट पे दिल्ली क्राइम सीजन 2 हैज बीन रिलीज्ड और नेटफ्लिक्स पे आज ये अवेलेबल है। और इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देना चाहूंगी दिल्ली क्राइम सीजन 2 वेब सीरीज का। सेक्शन 302 ऑन माय वे मैम। ठीक है, तुम एड्रेस भेजो, मैं आ रही हूं। मल्टीपल मर्डर। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि आपको दिल्ली क्राइम सीजन 2 देखना चाहिए या नहीं। Your parents were killed last night. Oh my God. एक अच्छी बात ये है कि अगर आपने दिल्ली क्राइम सीजन 1 नहीं देखा है तो भी आप दिल्ली क्राइम सीजन 2 को डायरेक्टली देख सकते हैं, क्योंकि दोनों की स्टोरी सेपरेट है। लेकिन मैं आपको पर्सनली ये बोलूँगी कि आप जो है पहले दिल्ली क्राइम सीजन 1 देखें और उसके बाद दिल्ली क्राइम का सीजन 2 देखें, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें तब समझ में आएंगी और आप दोनों चीज़ों को एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ये तो उन्हीं का सिग्नेचर स्टाइल है जिस बेरहमी से ये लोग अपने विक्टिम्स को मारते हैं। सीजन 1 और सीजन 2 में जो लीडिंग कास्ट है वो सेम है, यानी कि इट इज लेड बाय द प्रोटैगनिस्ट श्री शेफाली शाह, जो कि एक लाजवाब एक्ट्रेस है, और इनके किरदार की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और क्योंकि सीजन 2 बिल्कुल ही अलग है फ्रॉम सीजन 1, तो मैं आपको क्या बैकग्राउंड देना चाहूँगी। तो इट इज़ अबाउट 90s में एक एक्टिव गैंग थी जिसका नाम था कच्चा बनियान गैंग। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी और ये जो अपना सीजन 2 है वो इसी गैंग के एक्टिविटीज के इर्द गिर्द है। इस गैंग का बेसिकली काम था कच्चा बनियान पहन के घूमना और डकैती करना और लोगों के साथ मारपीट करना। इनकी USP ये थी कि जब कभी ये चोरी करने जाते थे तो चोरी करने के बाद अपने शरीर के ऊपर तेल लगा लेते थे, जिसकी वजह से उनको कभी भी कोई भी आदमी अगर पकड़ने भी जाता था तो उसके हाथ फिसल जाते थे और वो बच के निकल जाते थे। तो दिल्ली क्राइम सीजन 2 के जो फर्स्ट 2 एपिसोड्स है वो इसके बारे में ही है, और 3rd एपिसोड ऑनवर्ड्स हमको एक ट्विस्ट देखने को मिलता है, जिसमें जो व्यूअर्स होते हैं उनको बता दिया जाता है कि असल में चोर कौन है, यानी कि उनकी आइडेंटिटी दिखला दी जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जो पुलिस स्टोरी के अंदर दिखाई गई है वो असल में नहीं जानती कि चोर कौन है, खाली ये व्यूअर्स को ही पता चलता है, और दोनों स्टोरीज और माइंडसेट्स पैरेलली चल रहे होते हैं। शेफाली शाह या फिर बात करें तो रसिका दुग्गल, दोनों की एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन है। शेफाली शाह एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्ट्रेस है और उनको कोई भी रोल दिया जाता है तो वो उसको बखूबी से निभाती है। आपने डार्लिंग्स भी अभी रिसेंटली देखी ही होगी और उससे पहले दिल धड़कने दो, तो शी हैज़ डन एन इमेंस जॉब। और इस सीरीज़ में भी उन्होंने जो साउथ डिस्ट्रिक्ट की DCP का रोल निभाया है, जिसमें कि उनका नाम होता है वर्तिका चतुर्वेदी, जो कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं अलॉन्ग विद हर टीम। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है उसमें आपको और भी ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, और इस पूरी सीरीज़ के दौरान उन्होंने काफ़ी सस्पेंस एलिमेंट को मेंटेन किया है। दैट इज़ व्हाट मेक्स इट रियली इंट्रीगिंग। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि बीच बीच में इस सीरीज़ का जो टेम्पो है वो थोड़ा लो हो जाता है एंड इट बिकम्स डल एंड बोरिंग, लेकिन मैं उनको बोलना चाहूँगी कि वो पूरी सीरीज़ को देखें, डोंट जज बाय द फ्यू स्मॉल एलिमेंट्स, क्योंकि ओवरऑल ये एक बहुत ही सुपर्ब सीरीज़ है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि आपको ऐसी सीरीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो यह है कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, और सेकंड चीज़ यह है कि इससे हमें जानकारी मिलती है कि दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस ऑफिशियल्स कैसे ऑपरेट करते हैं और किस तरीके से केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है एंड सॉल्व किया जाता है।
वी गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी एज वेल। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा वेब सीरीज का रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।